हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आज के दिन आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा 9 बजे के आसपास ये वीडियो आया था। ज़रूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ये एक्चुअली कल रात का वीडियो था, बट टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे सुबह अपलोड हुआ है। सो ज़रूर इसका नोट ले लेना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, चेक कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आए बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड अगेन कल के दिन से वापस बाजार यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये जो हफ्ता अभी हम लोग को देखने को मिला, ये जो पिछला हफ्ता जो कंप्लीट हुआ है, वेनसडे के दिन बीच में एक हम लोग को छुट्टी देखने को मिली, राइट। मतलब बाजार रुका था। अभी आने वाला हफ्ता हम लोग को देखना है क्या कंटिन्यूसली चलने वाला है, प्लस कब ऐसा होने वाला है कि बीच में यहाँ पे बाजार में छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एनएसए हॉलीडे के ऊपर। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था 21 जुलाई को हम लोग को छुट्टी देखने को मिली थी। अभी जुलाई मंथ खत्म होने जा रहा है एंड जुलाई के बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगस्त देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगस्त में भी एक यहाँ पे हम लोग को थर्सडे के दिन छुट्टी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। मोहर्रम की छुट्टी रहेगी 19 अगस्त को। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें इस हफ्ते की, तो 5 दिन बाजार स्मूथली चलने वाला है, विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई भी छुट्टी यहाँ पे नहीं है। सो एक नॉर्मल अपडेट था जो कि आपको पता होना चाहिए। सो अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों को देखना है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आज भी देखेंगे बाजार बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। बीच में एक थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था, जो कि एक कॉमन बात है, आपको पता है कि गिरावट के लिए रीज़न चाहिए था। तो थर्ड वेव से रिलेटेड इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, अमेरिकन बाजार टूटा, हमारा भी मार्केट टूटा, देन इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी हुई, अमेरिकन मार्केट में भी रिकवरी हुई, हमारे भी मार्केट में रिकवरी हुई। तो बोलते हैं ना, चूहे बिल्ली का खेल कैसे रहता है, अप्स एंड डाउन्स वाला, वो तो चलते रहेगा, आगे भी चलेगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आने वाले हफ्ते में नंबर वन सबसे ज़्यादा फोकस में कौन सी न्यूज़ रहेगी, तो दोस्तों वो रहेगी जून क्वार्टर के अर्निंग्स ही। यस, क्योंकि अर्निंग्स ये सबसे मेन चीज़ होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये हफ्ता तो मतलब बहुत ही भयंकर, मतलब बिजी रहने वाला है। कमिंग वीक में 380 से भी ज़्यादा, आप देख सकते हैं मोर देन 380 कंपनीज विल रिलीज देयर क्वार्टरली नंबर्स। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली अभी सारे कंपनीज को तो मैं कवर नहीं कर सकता, इसलिए कहता हूँ कि जितना हो सके ट्राई कीजिए कि नंबर्स को जितना हो सके खुद के दम के ऊपर पढ़ने के हिसाब से। हालांकि ईजी नहीं होता है, मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को डीपली पढ़नी होती है, बट एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए। पहले तो रिटेल इन्वेस्टर देखता भी नहीं था, नंबर्स होते थे ऐसा कुछ पता भी नहीं था। सो इसीलिए बताना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए। अभी बात करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो बड़े बड़े कौन से कंपनीज है, खास करके बात करेंगे हम लोगों को निफ्टी 50 के भी कंपनीज है, जैसे एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, लार्सन एंड टुब्रो है, देन अगर हम लोग बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस है, DLF जैसी कंपनीज है, टाटा मोटर है, डॉक्टर रेडीज है, इंडसइंड बैंक है, मारुति है, नेस्ले इंडिया है, आप देख सकते हो, देन टेक महिंद्रा ब्रिटानिया, IOC है, सन फार्मा है, UPL है। सो सारे कंपनीज अगर आप देखोगे, निफ्टी 50 इंडेक्स वाले इतने कंपनी है, DLF क्यों लिखा है यहाँ पे पता नहीं मुझे, इसको आप कट कर सकते हो, बट बाकी के सारे कंपनीज निफ्टी 50 मतलब इंडेक्स में आप लोगों को पूरी हलचल देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बैंक निफ्टी वाले भी बड़े बड़े कंपनीज है, एक्सिस, कोटक से लेके अगर हम लोग बात करें तो इंडसइंड, सारे भी हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बहुत ही दिग्गज बड़े बड़े कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें अदर देन निफ्टी 50, अदर देन इंडेक्स भी अगर आप देखोगे, तो आप देख सकते हैं GSK फार्मा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, अपोलो पाइप्स की अगर हम लोग बात करें, देन अगर हम लोग बात करें KPIT टेक्नोलॉजी, जिंदाल स्टेनलेस स्टील की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलने वाले। देन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो आप देख सकते हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, सन फार्मा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एडवांस रिसर्च कंपनी, वेदांता है, कैनरा बैंक है, बहुत लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अभी लगभग 400 कंपनी नंबर दिखाने वाली है, LIC हाउसिंग फाइनेंस से लेके PVR तक, TVS मोटर से लेके इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक तक, एक्सिस इंडस्ट्रीज से लेके JSW एनर्जी तक। तो मतलब पूरा हफ्ता अगर मैं बात करूँ, ये तो क्वार्टर के नंबर से ही भरने वाला है। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि नंबर वन तो न्यूज़ यही रहने वाली है, बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज, खास करके जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है एंटर करने के हिसाब से, मैक्रोटेप डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स, इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। सो इन सारे नंबर्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू की बात करें तो ऑब्वियसली कोविड एंड वैक्सीनेशन से रिलेटेड डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमारे इंडिया में अभी हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हम लोग को खत्म होते देखने को मिल रहा है, छोटा मोटा तो जंप चलते रहेगा, बट अभी इंडिया की बात करें तो प्रिपरेशन चल रहा है, पॉसिबल है थर्ड वेव से रिलेटेड उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। अगर हम लोग विदेश की बाजार की बात करें या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज की, मतलब
फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को थर्ड वेव देखने को यहाँ पे मिली थी, कुछ कंट्रीज़ में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली थी, बट देखा जाए तो वो उनकी ही गलती थी, बहुत ज़्यादा लापरवाही आप लोगों ने देखा होगा। मतलब वैक्सीन लेना है इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद आप लोगों ने मास्क नहीं पहनना होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा विदेश में कैसे फुटबॉल के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भरे गए थे, कोई भी मास्क नहीं पहनता था, एंड उसका खामियाजा अभी उनको यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन अच्छे पैमाने के ऊपर होने के कारण वहाँ पे हॉस्पिटलाइज जो होने का जो रेशो है वो कंपैरेटिवली कम है, सो हम लोग कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव साइन भी ज़रूर है। सो थर्ड वेव की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रही कि अगस्त मंथ, यस अगस्त में इंडिया में थर्ड वेव हिट हो सकती है, एंड सितंबर में वो थर्ड वेव कंटिन्यू होते होते पीक आ सकता है। सो ये फिलहाल एक्सपर्ट की बातें यहाँ पे चल रही है। सो आएगा नहीं आएगा वो तो डिपेंड करता है कि चीज़ें कैसे वर्क यहाँ पे करती है, बट इसके हिसाब से प्रिपरेशंस फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहने वाली है वो होगी FOMC, यस थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें FOMC बैठक। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था कि विदेश के मार्केट से रिलेटेड कुछ दो वीडियोस बनाए थे मैंने कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो आपको नॉलेज तो होना चाहिए। तो FOMC की बैठक, FOMC मतलब जैसे मैंने कहा था कि इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे अमेरिका की सेंट्रल बैंक कौन सी है तो फेडरल रिजर्व, तो उन्हीं की बैठक होने वाली है। अभी हम लोगों की कौन सी होती है, MPC होती है, MPC की बैठक होती है, वैसे इनकी FOMC की बैठक रहती है, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम लोग बात करिए बैठक सिर्फ इंडियन नहीं पूरे ग्लोबल में जितने भी मार्केट्स हैं वो सभी के सभी इस बैठक के ऊपर फोकस लगा के यहाँ पे बैठने वाले हैं, जो कि 27 से लेकर 28 जुलाई इसमें शेड्यूल्ड यहाँ पे हो चुके हैं, दो दिन की रहेगी, एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो बातें हैं उसके ऊपर ज़रूर फोकस रहेगा। हालाँकि अभी भी बताया जा रहा है कि जो बातें जैसे हम लोगों को देखने को मिली थी वैसी कंटिन्यू रह सकती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कॉमेंट्री रहने वाली है, मिस्टर पॉवेल की कमेंट्री यहाँ पे रहने वाली है कि वो आगे यहाँ पे क्या बात करने वाले, बॉन्ड से रिलेटेड परचेस से रिलेटेड यहाँ पे आगे वो क्या बात करने वाले, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले जो अर्लियर हम लोगों ने यहाँ पे FOMC की बैठक देखी थी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को पिन होते हुए देखने को मिला था। देखिए हमेशा ऐसा कभी नहीं रहेगा कि आपका इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा या फिर जीरो रहेगा, नियर बाय जीरो रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी तो टाइम आएगा कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी एंड इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ाना पड़ेगा, एंड ये सारी चीज़ें अगर हो जाती तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के साथ साथ दुनिया भर के मार्केट में आएंगे। एंड इसे आप देख सकते लास्ट मीटिंग में यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की थी कि हम लोग दो बार रेट्स बढ़ा सकते बाय द एंड ऑफ 23, अभी 21 चल रहा है, 22 23, दो साल में ऐसा दो बार हो सकता है ऐसा फिलहाल बात चल रहा है, एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि डिस्कशन शुरू हो चुका है। तो ज़रूर हम लोग कहेंगे कि ये जो FOMC की जो बैठक है वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए उसमें अगर रिजल्ट आउटकम अगर जीरो भी आ गया ना, जीरो मतलब कुछ हुआ नहीं, स्टिल वो बाज़ार में एक अच्छा खासा अनसर्टेनिटी डालने वाली है कि इसमें आउटकम क्या आएगा, एंड बाज़ार आपको पता है टॉप लेवल पे, तो छोटा मोटा भी इधर उधर की बातें अगर मिल गई भी गई तो एक्सक्यूज़ पकड़ के बाज़ार में करेक्शन भी यहाँ पे आ सकता है, जो कि इन्वेस्टर के लिए हमेशा अच्छी बात होती है। हाँ ट्रेडर्स के लिए ख़राब रहेगी अगर उन्होंने लॉन्ग पोजिशन लिया होगा तो। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। देन इन्फ्लेशन के रिस्क के बारे में वो यहाँ पे क्या बताएंगे, तो पॉवेल के ऊपर तो ज़बरदस्त यहाँ पे फोकस इस वक्त तो यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें कुछ छोटे मोटे जो नंबर्स आते हैं वो उसके ऊपर भी फोकस रहेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट्स एंड बैंक लोन ग्रोथ, सो इससे रिलेटेड जो डेटा रहेगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो वीकली डेटा हम लोग को देखने को मिलता है, फिस्कल डेफिसिट एंड उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के आउटपुट की अगर हम लोग बात करें, सारा जो डेटा है ना दोस्तों ये उसका आउटकम हम लोग को इसी वीक के फ्राइडे में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये डेटा बार बार आते रहते हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ इसमें होने वाले बहुत ज़बरदस्त बदलाव ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा जंप है या फिर गिरावट है तभी जाके उसका इंपैक्ट बाजार के ऊपर आता है, वरना ये डेटा तो चलते रहते हैं, राइट। सो इसके ऊपर भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये हफ्ते में भी IPO से मार्केट गर्म रहने वाला है, मतलब दो IPO बाजार में उतरने वाले हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा की ही कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ये बाज़ार में यहाँ पे आने वाली है, एंड रोलेक्स रिंग की बात करें ये दो कंपनियाँ यहाँ पे इस हफ्ते इनका IPO ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ तो ज़रूर उसको स्टडी कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट लिस्टिंग से रिलेटेड, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी तत्व चिंतन फार्माकेम, सो इसका डेब्यू बाज़ार में यहाँ पे होने वाला है, राइट। सो ये भी बहुत ही कमाल की कंपनी है, लिस्टिंग गेन तो मतलब बहुत ही शानदार यहाँ पे होने वाला है,
जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सुपर देखने को मिल रहा है वो लिस्टिंग गेन दिखाएगा ही दिखाएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे फिलहाल किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं शेयर वर अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 1000, आप देख सकते हैं 1000 रुपये ग्रे मार्केट पे यहाँ पे चल रहा है पर शेयर की अगर हम लोग बात करें। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं अभी इसकी लिस्टिंग किस तरीके से यहाँ पे होती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके चलते बाज़ार यहाँ पे गजब का फोकस में यहाँ पे रहने वाले हैं। देन हमेशा की तरह दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन सी, सरकार के ऊपर डाइवेस्टमेंट की न्यूज़, उसके हिसाब से आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। कोई ना कोई कंपनी से रिलेटेड डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ सामने आती है। देन आरबीआई के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, आरबीआई कोई हलचल लेके आती है, खास करके एफओएमसी की मीटिंग होने के बाद आरबीआई के ऊपर आप लोगों का फोकस और भी कड़ा यहाँ पे रहना चाहिए कि आरबीआई यहाँ पे क्या करने वाली है। सो ये कुछ खबरें हैं जिसके चलते ये बाज़ार इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है। देन एज यूजल हम लोग जो देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, उनके ऊपर भी फोकस रहेगा। सो फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल 12,500 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लगातार वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं आप देख सकते हैं। बट साइमल्टेनियसली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वहाँ से हम लोगों को खरीदारी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो WTI फिलहाल 72 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड ब्रेंट की बात करें, वापस मतलब कमबैक थोड़ा बहुत यहाँ पे हो चुका है, 70 प्लस जा चुका है, जो बीच में 70 के नीचे भी गया था। आपको पता है वो ओपेक की जो बैठक है उन्होंने कहा था कि अगस्त ऑनवर्ड हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, एंड प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि प्राइस नीचे जाएगी। सो इसके चलते क्रूड ऑयल में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डॉलर टू आईएनआर, तो फिलहाल डॉलर आप देख सकते हो अभी भी 75 को क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है। डॉलर हमेशा स्ट्रांग रहता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, बट ये साल एक्सेप्शन रहे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। डॉलर इंडेक्स भी इसके चलते हम लोग को वीक देखने को मिला है, एंड ये भी एक सॉलिड रीज़न है कि इंडियन मार्केट इतना ऊपर क्यों है उसके हिसाब से। सो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। देन गोल्ड की बात करें, 50,000 के करीब वापस गोल्ड हमें धीमे धीमे जाते हुए देखने को मिल रहा है। एज यूजुअल मैं बता चुका हूँ, इक्विटी में अच्छे स्टॉक्स एंड गोल्ड में किया हुआ निवेश ये कभी वेस्ट नहीं जाता, ये आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे, सिर्फ पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए। क्यों गोल्ड को गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि वो एक सर्टन लिमिट के बाद नीचे नहीं जा सकता, वो उतना परफॉर्मेंस उसका चलता ही है। सो अगर आपके पास है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यू कीजिए बिना किसी टेंशन के। आखिरी पड़ाव के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे फिलहाल हम लोग यहाँ पे बीच में परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, तो सपोर्ट फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है 15,800 के आसपास ये सपोर्ट है, एंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है 16,000। 16,000 पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, नए नए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो फिलहाल की एक शॉर्ट टर्म रेंज आप लोगों को ये लेवल की देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ ये रेंज बहुत ही इजीली ब्रेकेबल रहते हैं, डिपेंड करता है मार्केट में कौन से टाइप की न्यूज़ यहाँ पे आ जाती है। सो आई आशा करता हूँ इस हफ्ते कौन से न्यूज़ के चलते बाजार बिजी रहने वाला है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।